बढ़ते आगे बात अब बांग्लादेश के। बांग्लादेश में हिंदू हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। हजारों की संख्या में हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं, दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, अंतरिम सरकार से हिंसा रोकने की मांग की जा रही है। तो देखिए, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिसको लेकर वहां के प्रधानमंत्री यूनिस, जो कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने भी कहा है कि क्या आप लोग जब पूरे देश को बचा सकते हैं तो क्या हिंदू लोगों को नहीं बचा सकते हैं? क्या ये लोग इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या ये लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं क्या? तो ऐसे यूनिस जो हैं वो लगातार, प्रधानमंत्री यूनिस जो हैं वो लगातार अपील कर रहे हैं अपने देश की जनता से कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार ना किया जाए। दूसरी तरफ जो है, अमेरिका में भी दो सांसदों ने आवाज़ उठाई है और अमेरिका से सीधा इसमें हस्तक्षेप करने के लिए कहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये घटनाएँ सामने आ रही हैं, काफ़ी विचलित करने वाली घटनाएँ हैं। एक के बाद एक हिंदुओं को वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। हमले पर अमेरिकी सांसद भी जो है वो काफ़ी भड़के हुए नजर आए और उन्होंने अपील की कि सीधा अमेरिका को भी अब इसमें हस्तक्षेप कर देना चाहिए, क्योंकि लगातार जो है पहले मंदिरों को टारगेट किया गया, मंदिरों पर हमला किया गया, उसके बाद हिंदुओं के इलाकों में घुसकर उनके घरों को जलाया गया, उनके घरों को नुकसान पहुँचाया गया और कई हिंदुओं को मौत के घाट भी उतारा गया और लगातार दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई की अब हिंदू जो है मांग कर रहे हैं। हिंदुओं का कहना है कि उन तक कोई भी मदद पहुंच नहीं पा रही है, इसको लेकर माहौल काफ़ी वहां पर ख़राब हो रखा है। हालांकि नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उम्मीद ये जताई जा रही थी कि नए प्रधानमंत्री यूनिस के शपथ लेने के बाद बांग्लादेश में हिंसा रुक जाएगी, बांग्लादेश के हालात सही हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। बांग्लादेश में हिंसा लगातार जारी है। देश में रहने वाले हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया। इन हमलों में एक शिक्षक सहित दो लोगों की मौत हो चुकी है और 45 लोग घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंसा को रोका जाए। बयान में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र हर तरह के नस्ल भेदी हिंसा के खिलाफ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले पर भड़के हुए अमेरिकी सांसद, बांग्लादेशी हिंदुओं को मिला अमेरिकी सांसदों का साथ और हिंदुओं के खिलाफ हिंसक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो अब अमेरिका में भी एक गूंज पहुंच चुकी है, जिस तरीके से हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, हिंदुओं के खिलाफ हिंसक कार्रवाई की निंदा की है अमेरिका में दो सांसदों ने। अमेरिकी सांसद ने यूएस से सीधा इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की है और कहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस पर अब अमेरिका को सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए। तो लगातार इसको लेकर अब प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। ढाका में सुरक्षा की मांग को लेकर हजारों हिंदुओं का प्रदर्शन भी चल रहा है। 17 करोड़ की आबादी में हिंदू करीब 8% हैं, यानी कि 1,35,00,000 वहां पर हिंदू हैं जिन पर अब अत्याचार चल रहा है। बांग्लादेश अब भी सुलग रहा है, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद वहां भुखमरी थी और उस भुखमरी के दौर में इस्कॉन संस्था ने $2.5 मिलियन जुटाकर बांग्लादेश के लोगों को महीने तक मुफ्त खाना खिलाया था, लेकिन अब प्रदर्शनकारियों का चोला ओढ़े दंगाइयों ने चटगांव के उस इस्कॉन टेम्पल को भी जलाकर राख कर दिया। दंगाइयों का डर ऐसा है कि बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ने भी इस्तीफा दे दिया है। कहने को वहां अंतरिम सरकार बन गई है, लेकिन रोप और आदेश दंगाइयों के ही चल रहे हैं। बांग्लादेश जल रहा है, सुलग रहा है, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं। हिंसा के मद में अंधे हो चुके बांग्लादेश के तथा कथित प्रदर्शनकारी मंदिरों को जला रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। दंगाइयों ने बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर को भी फूंक दिया। ये वही इस्कॉन है जिसने बांग्लादेश निर्माण के बाद भूख से मर रहे बांग्लादेशियों की मदद के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए थे, भूखे मरते बांग्लादेशियों को मुफ्त खाना खिलाया था, लेकिन हिंसक भीड़ ने उस इस्कॉन मंदिर को ही जला डाला, तबाह कर डाला। जब बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था ना, तो आर्थिक रूप से बहुत बुरी हालत थी, लोग भूख से बिलबिला रहे थे, बहुत अस्त-व्यस्त परिस्थितियां थी। तो उस वक्त जो इस्कॉन के फाउंडर हैं हमारे शिला प्रभुपाद जी, उन्होंने $2.5 मिलियन रेस करे थे। आप सोचिए 50 साल पहले $2.5 मिलियन बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे वो कम्युनिटी है जिनको जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त उनकी हेल्प की गई, इतने बड़े स्केल पे उनकी हेल्प की गई, और बदले में उन्होंने क्या किया वो हम सब देख रहे हैं। हरे कृष्णा। इस बीच बांग्लादेश के दंगाइयों के डर से चीफ जस्टिस ने भी इस्तीफा दे दिया है। उबैदुल हसन ने अपना पद छोड़ दिया क्योंकि भीड़ ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी, सुप्रीम कोर्ट को ही घेर लिया था। यानी बांग्लादेश में अराजकता चरम पर है, प्रदर्शनकारियों के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है और अंतरिम सरकार ये सब कुछ होने दे रही है ताकि बांग्लादेश को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले सके।
बांग्लादेश को अराजकता की आग में झोंक सके। इधर भारत में भी बांग्लादेश के हालात पर सियासी उबाल आ गया। बीजेपी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा से राहुल गांधी का नाम जोड़ने की कोशिश की। आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने जमीयत ए हिंद के उस सदस्य से मीटिंग की जो बांग्लादेश के हालात को सही ठहरा रहा है। गुरुवार 8 अगस्त को राहुल गांधी एक डेलीगेशन से मिले थे। इस डेलीगेशन में इकोनॉमिस्ट जीन ड्रेस भी मौजूद थे। कल अर्थात 9 अगस्त को जीन ड्रेस जो है प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट में गिरफ्तार किए गए। यहां पर उनके साथ जीन ड्रेस के साथ नदीम खान भी मौजूद थे जो ऑल इंडिया जमायते हिंद के सदस्य हैं, महत्वपूर्ण सदस्य हैं और जिन्होंने निरंतर बांग्लादेश में सिविल वॉर की वकालत की है। तो क्या 8 तारीख को जब हिंदुओं की जाने खतरे में थी बांग्लादेश में, तो क्या राहुल गांधी अपने घर पर प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स को ट्यूटर कर रहे थे, मेंटोर कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि किस प्रकार से उन्हें अगले दिन प्रोटेस्ट करना चाहिए? और यदि वो ऐसा कर रहे थे तो क्या वो हिंदू उत्पीड़न जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके एक प्रकार से एनेबलर नहीं है? बीजेपी का ये भी आरोप है कि राहुल गांधी ने जुलाई में अपनी विदेश यात्रा के दौरान बीएनपी नेता खालिदा जिया के बेटे से मुलाकात की थी और अब बीजेपी पूछ रही है कि उस मुलाकात का एजेंडा क्या था और क्यों राहुल गांधी को बांग्लादेश में विपक्ष के नेता के बेटे से मिलने की जरूरत पड़ी। कल बांग्लादेश के प्रसिद्ध पत्रकार सलाहुद्दीन चौधरी जी ने ऐसे किए हैं, कुछ बड़े आरोप लगाए हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी पर। सलाहुद्दीन चौधरी जी का मानना है कि पिछले महीने खालिदा जिया के पुत्र लंदन में मौजूद थे और यहां उनकी मुलाकात हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से हुई और इस मीटिंग में राहुल गांधी ने एक प्रकार से बांग्लादेश में हो रहे आंदोलन को ग्रीन सिग्नल दिया। क्या वाकई राहुल गांधी जब पिछले महीने वे 10 दिन भारत में नहीं थे तो क्या वे लंदन में थे और क्या उनकी मुलाकात यहां खालिदा जिया के पुत्र से हुई थी? यदि हां तो इस मीटिंग में क्या डिसाइड किया गया, इस मीटिंग का एजेंडा क्या था? इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच बांग्लादेश सुलग रहा है। हिंदू बांग्लादेश से पलायन करना चाहते हैं, वो देश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दंगाइयों ने पूरे बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर रखा है और हिंदुओं की टारगेट किलिंग पर दुनिया ने मौन साध रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट।